जाने को लेकर रविवार को रंका थाना में अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के वातावरण में होली के त्यौहार को मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर उपस्थित रंका शहर एवं आसपास के कई गांवों से आए गणमान्य लोगों से मिले। सुझाव की पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार महतो ने उपस्थित लोगों से आदर्श आचार संहिता चुनाव को नियमों का पालन करते हुए आपसी सौहार्द के वातावरण में होली के त्यौहार को मनाने की अपील की। कहा कि अफवाहों से बचे, किसी भी तरह की परेशानी एवं घटना की तत्काल सूचना रंका थाना को दे, साथ ही यथासंभव विवाद की स्थिति से बचे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने पुलिस पेट्रोलिंग, शराब पर नियंत्रण और असामाजिक लोगों द्वारा हुड़दंग पर अंकुश लगाने को लेकर विवाद होने की संभावना पर नियंत्रण लगाने, ब्रह्मति के एक दूसरे संप्रदाय लोगों तथा महिलाओं पर रंग अबीर का प्रयोग नहीं करने की अपील की। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने होली के मौके पर डीजे पर प्रतिबंध लगाने तथा सोशल मीडिया पर अफवाह से बचने की अपील की। के पर अंचल पदाधिकारी निशांत अंबर, पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार, जीप सदस्य उमा देवी, प्रमुख लीलावती देवी, डॉक्टर अलख निरंजन सिन्हा, भरत लाल चौधरी, मुखिया मालती देवी, इनर देव राम तथा सूर्य नाथ भुया समेत कई दर्जनों लोग उपस्थित थे। सौहार्दपूर्ण रूप से हुई और जैसा कि पहले से भी होता आया है, बड़ा ही मुख्य वातावरण में जहाँ के लोग होली खेलते हैं, उसी परंपरा को जारी रखा जाना है ताकि व्यवधान नहीं हो, और जो व्यवधान उत्पन्न करेंगे उस पर प्रशासन सतर्क है, उस पर कार्रवाई की। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।